सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे और गाइस आगे भी बढ़े रहना। सो गाइस, हमारे गेम के अंदर जो है कोबरा बंडल रिटर्न पे आ चुका है, जो कि एक ओपी वाला बात है। और गाइस ये जो बंडल है ना गाइस, काफी ज्यादा ओपी बंडल्स है और मेरे पास तो ये पहले से ही है, लेकिन मैं जो है मेरा भाई के अकाउंट पे इस बंडल को जो है इस बार निकालने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कितना डायमंड लगने वाला है, ठीक है ना। तो गाइस आप लोग भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को भी पता चल जाएगा, अगर आपके पास नहीं होता है तो, कि कितना डायमंड इसके पीछे आपका जाएगा और कितना डायमंड पे ये बंडल आपका निकलेगा, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, न्यू आ रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, ठीक है ना। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो जैसे कि गाइस आप पीछे देख ही पा रहे हो कि मैं मेरा भाई के अकाउंट से आ चुका हूँ उसका फोन से, और गाइस देखते हैं पहला स्पिन कदर इसको क्या मिलता है। भाई पहला स्पिन कदर इसका अकाउंट पे नहीं निकला, आप लोगों को निकल सकता है गाइस पहला स्पिन के अंदर, ठीक है ना। आप लोगों को एडम लेके स्पिन करना होगा, ठीक है ना। सेकंड स्पिन के अंदर मेरे को एक टोकन मिल चुका है गाइस, फाइनली मेरे को एक टोकन मिल गया, और देख ही सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से मेरे को जो है एक टोकन मिल गया। और उसके बाद और भी एक 90 का स्पिन, और इस पर नहीं निकला, इस पे नहीं निकला। चलो गाइस जल्दी जल्दी स्पिन करते हैं और देखते हैं कितना मतलब कितना डायमंड मेरे को जो है लगता है। चलो गाइस फोर्थ स्पिन के अंदर मेरे को और एक टोकन मिल चुका है गाइस। चलो आप लोगों को भी ऐसे स्पिन करना है गाइस, ठीक है ना। आप लोगों को जो है एडम लेके स्पिन करना है, फिर आप लोगों को भी जल्दी जल्दी मिल जाएगा। और एक टोकन मिल चुका है भाई, लगातार तीन टोकन मेरे को बहुत ही ईजी तरीके से मिल गया, देख ही सकते हो। लगता है इस बार बहुत कम डायमंड ही लगेगा। चलो गाइस देखते हैं, और इस बार तो नहीं निकला। चलो गाइस कोई बात नहीं, 90 का स्पिन के अंदर नहीं निकला। गाइस तीन टोकन मेरे को मिल चुका है, और लास्ट वाला जो ये दो टोकन है ना बहुत ज़्यादा डायमंड लगता है। देखते हैं इसका आईडी में इसका लक कितना अच्छा होता है गाइस, ठीक है ना। फिर से 90 का स्पिन करेंगे, क्योंकि 20 का स्पिन पे नहीं निकालने वाला है गाइस, ठीक है ना। आपको भी 90 का स्पिन ही करना है गाइस, ठीक है ना। 90 का स्पिन पे बहुत ज़्यादा, अरे भाई साहब और एक टोकन मिल चुका है गाइस, और उसी के साथ साथ जो है ये फिस्ट का स्किन भी मेरे को मिल चुका है। और देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है मेरे को चार टोकन मिल चुका है गाइस, ठीक है ना। अभी भी 3000 डायमंड इसके आईडी में है, और देखते हैं इसका लक कितना अच्छा होता है, कब तक ये जो बंडल है कोबरा बंडल ये कब तक निकालता है देखते हैं। मेरे को तो भाई पिछला बार 2000 से ऊपर डायमंड लगे थे, तो गाइस इस बार देखते हैं इसको कितना डायमंड लगता है। तो देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैं स्पिन करे जा रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा भाई, ये क्या बात है भाई। भाई साहब कितना ज़्यादा लूट रहा है करीने वालों ने यार, 90 का स्पिन फटाफट कर रहा हूँ लेकिन लूटे जा रहा है कुछ भी चीज़, मतलब एक टोकन चाहिए भाई उसके लिए कितना ज़्यादा स्पिन करना पड़ रहा है गाइस, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो गाइस मैं यही बोलूँगा कि आपके पास अगर डायमंड होता है तो आप स्पिन कर सकते हो, देखते कब तक ये निकालते हैं। अभी भी 1800 डायमंड इसके आईडी में है, और देखते गाइस भाई नहीं निकल रहा है भाई, ये कोबरा बंडल के लिए कितना ज़्यादा डायमंड लग रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा था 4000 डायमंड पर इजी तरीके से निकल जाएगा भाई। चलो गाइस देखते हैं निकालता है या फिर नहीं निकलता। फिर से भाई वही चीज़ दिए जा रहा है भाई, डायमंड रॉयल वाउचर, ये सारे के सारे क्रेड जो है दिए जा रहा है गाइस। मैं जो है एडम करेक्टर लेके स्पिन कर रहा हूँ, वही आपको भी करना है, लेकिन ये तो भाई उल्टा हो रहा है भाई, ये मिल ही नहीं रहा एक टोकन लास्ट वाला। चलो गाइस देखते हैं, इस बार भाई 1400 डायमंड हो गया फिर भी नहीं मिला। चलो गाइस देखते हैं, और इस बार भी नहीं मिला गाइस। 90 का स्पिन करे जा रहा हूँ भाई, नहीं दे रहा है भाई, कैसे स्पिन भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा लूट रहा है भाई। आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा लूट रहा है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से गरीना वालों ने जो है बिजनेस खुल के रखा है भाई, एकदम क्या ही तो लूट रहा है भाई। चलो गाइस इसको वॉल्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, और इसके अंदर से मेरे को क्या कुछ एक टोकन नहीं मिला यार, एक टोकन इसके अंदर से भी नहीं मिल रहा है भाई, क्या बताए भाई बताओ, मेरा लक ही अच्छा नहीं है। चलो जाने तो भाई लोग, इसका आईडी में 900 डायमंड रहने देता हूँ भाई, वो आके स्पिन करेगा, ठीक है ना। चलो भाई फाइनली एक 90 का स्पिन कर ही देते हैं भाई, और ये भाई इस पर भी नहीं निकला भाई, 800 डायमंड हो गया भाई, क्या रहने देता हूँ भाई, वो आके मेरे को क्या बोलेगा भाई, 4000 डायमंड उसका उड़ा दिया भाई। इसी बात पे लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी बनता है गाइस, ठीक है ना। तो भाई मैं तो और नहीं स्पिन करने वाला हूँ, वो आके स्पिन करेगा, मेरा आईडी पे तो है, उसका आईडी पे नहीं है, देखते गाइस उसका आईडी में लास्ट टोकन कब तक निकलता है उसको भी पता है। तो गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा डायमंड लगने वाला है इस कोबरा बंडल को निकालने में। तो गाइस आप लोगों के पास अगर डायमंड होता है तो तब स्पिन करना, नहीं तो मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है इसके, ठीक है ना। मैं और एक चीज़ बता देता हूं कि इस वीडियो को 500 लाइक कंप्लीट कर देना, और कमेंट पर अपना यूआईडी दे देना, मैं जो है कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई तीन बंदे को 620 डायमंड करके दे दूंगा, अगर 500 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो, ठीक है ना। तो चलो गाइस आज के लिए भी इतना ही था, मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद जय भारत।